इमरान ने जोलिया की बात सुनी तो उसे हैरत हुई कि कर्नल फरीदी का असिस्टेंट कैप्टन हमीद दारुल हकूमत में मौजूद था और उसने जोलिया के सामने खुद को जाहिर नहीं होने दिया था। क्यों? चंद लम्हों बाद ही उसका सबब उसकी समझ में आ गया और वो बेचैन हो गया। कैप्टन हमीद के साथ कर्नल फरीदी की भी वहां मौजूदगी मुमकिन थी और उनकी खुफिया आमद डॉक्टर नासिर हुसैन की इजाद हासिल करने के लिए भी हो सकती थी, और अगर उसका अंदाज़ा दुरुस्त था तो फिर अब सुस्ती करने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। सांगी कुछ देर पहले उसकी गिरफ्त से निकल चुका था और वो कई मिनट तक उसे गलियों में तलाश करता रहा था। वो कर्नल फरीदी की खुदादाद सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था और जानता था कि कर्नल फरीदी कभी किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ। खुद वो फरीदी के हमरा मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए कई मुहिमों में हिस्सा ले चुका था, जिनमें इसराइल और अमेरिका की मुहिम तो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा थी, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसे हैरत थी कि फरीदी ने दोस्त होने के बाद उसे अपनी आमद से मुतल्ला नहीं किया था, और ये भी जेब नहीं देता था कि वो किसी दोस्त मुल्क में जुर्म का इर्तिकाब करने आया था। चंद लम्हों बाद ही उसने फैसला कर दिया कि अगर फरीदी दुश्मन बनकर वहां आया है और उसका मिशन डॉक्टर नासिर की इजाद से मुतल्लिक है तो फिर वो फरीदी को कामयाब वापस नहीं जाने देगा, चाहे उसे जान की बाजी लगाना पड़े। वो फरीदी की दोस्ती को अपने फर्ज पर कुर्बान करने का फैसला कर चुका था। उसके लिए ये जरूरी था कि वो फौरी हरकत में आ जाता। फरीदी जैसे ठंडे मिजाज के सराग रसां सामने आने की बजाय खामोशी से मिशन मुकम्मल कर जाते थे। जोलिया की मौजूदगी में वो कुछ ना कर सकता था, चुनांचे उसे वहां से हटाना जरूरी था ताकि वो आज़ादी से मेम्बरान को हदायत जारी कर सके। सुलेमान, जोलिया के सोने का क्या इंतजाम है? उसने सुलेमान से पूछा। उसे नींद तो नहीं आ सकती, सुलेमान ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने उसे आंख से मखसूस इशारा कर दिया। साहब, ये बेडरूम में तो नहीं हो सो सकेंगी, सुलेमान ने कहा। वहां खटमल रात भर इनका खून चूस चूस कर उन्हें कमजोर कर देंगे। बको मत, मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगी, जोलिया ने गुस्से में कहा। और मैं कहाँ सोऊंगा, इमरान ने पूछा। मगर तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। परवाह मत करो, मैं देखने वालों से निमट लूंगी, वो मुस्कराई। इमरान ने बेचारगी से सुलेमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो इस बला से मेरी जान छुड़ाओ। सुलेमान ने कंधे उचकाए, उसी लम्हे फोन की घंटी बजने लगी। इमरान चौंका और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि ब्लैक जीरो की कॉल हो ताकि वो जोलिया को वहां से जाने का हुक्म दे सके। उसने फोन रिसीवर उठाया। हेलो, बेबस है इमरान स्पीकिंग, वो एम काना लहजे में बोला। ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी जानिब से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी और इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। यस सर, हुक्म फरमाइए, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा ताकि ब्लैक जीरो समझ जाए कि वो तनहा नहीं है। कैप्टन बाबर ने रिपोर्ट दी है कि उसने एक मशकूक सफेद फार्म का ताकुब किया था और वो सफेद फार्म मेजर प्रमोद साबित हुआ, ब्लैक जीरो ने बताया। ओह, इमरान बेसाख्ता चौंक पड़ा। फिर वो अफ्रीकी जबान में बोलने लगा, जरा तफसील से बताओ। दूसरी जानिब से ब्लैक जीरो तफसील से कैप्टन बाबर की रिपोर्ट बयान करने लगा। इमरान को हैरत हो रही थी। प्रमोद अपने सफारतखाने आया था और उससे मिले बगैर वापस जा रहा था। उसने कैप्टन बाबर के जरिए उसे सलाम कहा था, लेकिन उसके फ्लैट तक आने की या उसे फोन करने की जहमत गवारा नहीं की थी। ये बात उसे बहुत अजीब महसूस हो रही थी कि प्रमोद पाकेशिया आए और उसे मिले बगैर चला जाए। यकीनन कोई गड़बड़ थी। कर्नल फरीदी की तरह मेजर प्रमोद भी डॉक्टर नासिर की ईजाद के चक्कर में आया था और खामोशी से अपना मिशन अंजाम देना चाहता था। गोया एक बार फिर वो एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे। सुनो, कैप्टन बाबर को हदायत कर दो कि वो नए मेकअप में उसके रिहायशी होटल पहुंचे, और अगर वो वहां मौजूद हो तो फौरन तुम्हें मुतल्ला करे, इमरान ने अफ्रीकी जबान में कहा। वो चंद लम्हों तक उसे हदायत देता रहा। जोलिया खामोशी और हैरत से उसकी तरफ देखती रही। अफ्रीकी जबान का एक लफ्ज भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अलबत्ता वो ये समझ चुकी थी कि दूसरी तरफ से बात करने वाला एक्स्ट्रो ही है। तुमने उसे रात का यहाँ रहने का कहकर मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी है, इमरान ने आखिर में ब्लैक जीरो से कहा। उसे किसी बहाने यहाँ से रुख्सत कर दो, ये काम आप भी कर सकते हैं, ब्लैक जीरो ने हंस कर कहा। लेकिन तुम्हारा हुक्म ज्यादा अहमियत रखता है, मैं रिसीवर उसे दे रहा हूँ, इमरान ने कहा। फिर यकदम
उर्दू में बोलने लगा, जी हाँ वो मौजूद है लेकिन बिस्तर पर सोने से डरती है, कहती है सोफे पर सोऊंगी क्योंकि उसके आबाऊ अजदाद भी सोफों पर सोते थे। जोलिया समझ गई कि उसका जिक्र हो रहा है आबाऊ अजदाद के नाम पर। उसे इमरान पर गुस्सा आने लगा। लो, इमरान ने जोलिया को आंख मार कर कहा, चीफ तुम्हारी शीरी आवाज के लिए तरस रहा है। जोलिया ने उसे सख्त जवाब देना चाहा लेकिन खामोश रही क्योंकि इमरान ने माउथ पीस पर हाथ नहीं रखा था और उसका जवाब एक्स्ट्रो भी सुन सकता था। उसने एक झटके से इमरान के हाथ से रिसीवर छीन लिया। यस चीफ, जोलिया बोल रही हूँ, उसने माउथ पीस में मुअद्दबाना लहजे में कहा। जोली, तुम फौरन अपने फ्लैट चली जाओ, दूसरी जानिब से एक्स्ट्रो ने हुक्म दिया। वहां पहुंचकर मुझे मुतल्लक करना, पकिया हदायत तो मैं उसी वक्त दूंगा। राइट सर, जोलिया ने कहा। और कोई हुक्म? नो थैंक्स, एक्स्ट्रो ने कहा। खुदा हाफिज, एक्स्ट्रो की आवाज बंद हो गई। जोलिया ने रिसीवर करेडल पर डालते हुए इमरान को कूरा। कुक, क्या हुआ? इमरान बुखला कर बोला। तुम चीफ से अफ्रीकी जबान में क्या कहते रहे हो? उसने घुसीले लहजे में पूछा। आले दिल, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, तुम कहो तो तुम्हें भी सुना दूं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, जोलिया ने मुंह बनाकर कहा और अपना पर्स संभाल कर खड़ी हो गई। सुलेमान किचन के पास खड़ा उसे देख रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। ठहरिए, खाली हाथ मत जाइए, मुझसे थोड़ा सा लेती जाइए। क्या? जोलिया ने हैरत से पलट कर कहा। वक्त, सुलेमान इत्मीनान से बोला, मेरे पास बहुत फालतू वक्त है। शट अप, जोलिया गुर्राई और दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसके बाहर चले जाने पर इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर उसने सुलेमान को इशारा किया और वो करीब आ गया। मेरा चुस्त लिबास निकालो, मैंने अभी जाना है। रबर सोल जूते भी निकाल लाओ, इमरान ने हदायत की। सुलेमान उसकी बात पर चौंका लेकिन कुछ कहने की बजाय अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।